बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल करीम ईरानी और मैं हूँ आपका मेज़बान अकीम मौजूद। नाज़रीन, आज मैं कब्ज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। पहले भी हमने कब्ज़ के नुस्खे बड़े अच्छे दिए हैं, आज कल उसका भी बहुत कामयाब और अच्छा नुस्खा है। तो ये बनाए नुस्खा, इसके साथ पखाना खुल कर आएगा, कब्ज़ टूटेगी। एक याद रखना कि ये जो पुरानी कब्ज़ के लोग होते हैं ना, इनको साथ रोगन बादाम या देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए, किसी तरीका से भी कर लें ताकि आंतों को ये हो जाए, वो जो है ना तरी पैदा हो जाए आंतों में तरी पैदा हो जाए। तो क्योंकि ये जो मुलैन चीज़ें होती हैं, ये जोर लगाकर पकाने को बाहर निकाल देती हैं, तो इसलिए वो आंतों में वो जो मादा होता है लेसदार, उसका इखराज भी साथ हो जाता है, फिर खुश्की ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए ये जो है ना, जैसे घी या रोगन बादाम का इस्तेमाल पुरानी कब्ज़ वालों के लिए ज़रूरी है। इनको नई नई कब्ज़ है, वो 3-4 लाखों से वैसे ही इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। बाकी उसका सुन रेमद उसारा मुसब्बर तुरबत सफ़ैद गूंद कतीरा 7 मुरठी। रेमद उसारा मुसब्बर तुरबत सफ़ैद गूंद कतीरा और 7 मुरठी, इसको ये 5 चीज़ें इनको हम वजन ले लें, यानी 2-2 तोले ले लें, 3-3 तोले ले लें, तो इनको बारीक करके फुल साइज कैप्सूल बांध लें। अगर हल्की कब्ज़ है तो 1 कैप्सूल रात को लें, तो दूध से खिलाना है, नीम गर्म दूध से। अगर ज़्यादा कब्ज़ है तो 2 कैप्सूल खा लें, इंशाल्लाह सुबह उठेंगे तो पेट साफ हो जाएगा। तो ये इसकी आदत नहीं बनानी, कब्ज़ खुशा दवाइयों की आदत नहीं बनाया करते आप। जो मैंने बतलाया ना पुदिया के, ये देसी घी का या बादाम रोगन का इस्तेमाल करें, पुरानी कब्ज़ वाले लोग ये आस्ता आस्ता फिर दवाई छोड़ दें ताकि इनका वो मसला हल हो जाए। तो नई कब्ज़ वाले जो लोग हैं वो 1-2 घंटे देंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा।